भी गेस करके बताओ आप लोग हम लोग किधर आए हैं। लाइक ये अपना टॉप फोर पंडाल है, चौथा नंबर पे पंडाल है, तो कौन सा जगह का ये पंडाल आप लोग कमेंट करके बताओ। और फिर ये जगह है, और फिर ये जगह है, तो आप लोग गेस करके बताओ वो गाइस फर्स्ट कौन सा पंडाल अपन लोग फर्स्ट रखे हैं। और फिर अपन लोग फर्स्ट के पास आ भी चुके हैं, थोड़ा बहुत गेस करो। चलो अगर गेस नहीं किया ना तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो गाइज आज अपन लोग टॉप 5 पंडाल का वीडियो बनाने वाले, बिहार शरीफ का टोटल टॉप 5 जो सबसे बड़ा और सबसे यूनिक और सबसे अच्छा पंडाल होगा उसका वीडियो बनाने वाले। तो इस वीडियो कहीं भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जैसा पंडाल दिखाने वाले, सिर्फ 5 पंडाल जो कि पूरा बिहार शरीफ का टॉप पंडाल होगा। तो वीडियो में कहीं भी स्किप मत करना गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और फिर ये मेरा मोटिव है ना गाइज, टॉप 5 पंडाल बनाने का मोटिव ये है कि आप लोग जो भी दूर दूर से आते हो ना, काफ़ी इधर उधर घूमते बस, बट मेन जो पंडाल होती है ना वो नहीं घूम पाते हो ना, उसके लिए स्पेशल अपन लोग वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे कि आप लोग कितना दूर से भी आओ ना तो आप लोग ये 5 पंडाल को ज़रूर घूमना, क्योंकि ये 5 पंडाल घूम लोगे ना तो भाई काफ़ी अच्छा लगेगी। तो अपन लोग सोच रहे हैं चलो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉप 5 से स्टार्ट करें गाइज। और टोटल 5 पंडाल होगा, लास्ट जो एक नंबर वाला पंडाल होगा ना वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा पंडाल होगा, तो वीडियो में बने रहना गाइज। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट टॉप 5 पंडाल से। तो फाइनली गाइज अपन लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 5 पंडाल से। तो टॉप 5 पे आता है अपना सोसराय, जो कि सोसराय से 17 नंबर के बीच में जाओगे ना तो बीच में आपको मिलेगी पकड़ी पर, वहाँ पे बैठती है दुर्गा माता का पंडाल, यहाँ पे बनती है पकड़ी पर। और फिर यहाँ पे आशा नगर भी आप लोग बोल सकते हो, बट मेनली पकड़ी पर के नाम से ही जाना जाती है। यहाँ का पंडाल देखो ना तो काफ़ी यूनिक और फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज, एकदम इतना मस्त पंडाल बनाना आप लोग सोच ही सकते हो। हालांकि मैंने जब नहीं बना था ना उस टाइम ही आपको दिखाया था, बट अभी पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है गाइज। तो अभी यहाँ से ना मैं आपको अंदर की साइड दिखाता हूँ, पहले बात बाहर मिलेगी, प्लस यहाँ से आपको एंट्री लेते हुए साथ ना कुछ एकदम अजीब सा भाई मतलब स्वर्ग का फीलिंग्स आती है, देख रहे हो भाई कैसा ऊपर के साइड देखो कैसा आ रहा। प्लस यहाँ से आप लोग एंट्री लोगे ना तो सारा जगह एकदम अलग अलग ही लेवल का मस्त वाला एकदम बना के रखे हैं यहाँ पे। तो ये अपना टॉप 5 में है गाइस, तो सोचे टॉप 5 पे जब ऐसा पंडाल है तो टोटल मतलब नंबर 1 नंबर 2 कितना हेवी वाला होने वाला, कितना अच्छा पंडाल होने वाला आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कलश स्थापना हुई थी, और यहाँ पे देखो सारा दुर्गा माता काली माता। और फिर यहाँ पे ना पंडाल काफी अच्छा बड़ा बना है गाइस, बहुत ही बड़ा पंडाल है। और डेकोरेशन देखो ना तो काफी अच्छा डेकोरेशन है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे अपना दुर्गा माता, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, कार्तिक सारे यहीं पे। और फिर यहाँ पे देखो ना काफी अच्छा सा फीलिंग्स आ रहा है यहाँ पे, काफी अच्छा वाला फीलिंग्स आ रहा है आप लोग देख सकते हो गाइस। तो ये अपना पांचवा पंडाल है गाइस, ये अपना 5वां पंडाल है। अभी आपको नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 और फिर नंबर 1 पंडाल दिखाने वाले, तो आप लोग वीडियो बने रहना गाइस, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। आप लोग सोच सकते हो टॉप 5 ही है, तो नंबर 1 और नंबर 2 कितना भयानक होने वाला है। तो गाइस गेस करो अभी अपन लोग किधर जा रहा है, लाइक ये अपना टॉप 4 पंडाल होने वाला, और फिर अपन लोग किधर गए। अभी भी गेस करके बताओ आप लोग हम लोग किधर आए हैं, लाइक ये अपना टॉप 4 पंडाल है, चौथा नंबर पे पंडाल है, तो कौन सा जगह का ये पंडाल आप लोग कमेंट करके बताओ। हालांकि मैं तभी आपको बताऊंगा ही कहाँ पे आए आप लोग पंडाल के पास पहुँचने के बाद, लेकिन आप लोग पहले ही गेस करके बताओ गाइस, क्योंकि इधर का सीन ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत कम लोग ही इधर आते हैं घूमने के लिए। तो मैंने सोचा यार ये पंडाल को कुछ खासियत भी कुछ अलग है इस पंडाल का, तो इसी कारण से मैंने इनको टॉप 4 में रखा है पंडाल को। बाकी आप लोग का क्या विचार होगा वो आप लोग देख के बताना गाइस। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग मोहद्दी नगर पहुंच चुके हैं, और फिर यहाँ का पंडाल आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा है। और अपन लोग इस पंडाल को 4th नंबर पे रखे ना इसलिए ना, क्योंकि ये पंडाल में कुछ ऐसा बात है गाइस कि अपन लोग टॉप 5 में ही पंडाल को रख सकते थे। अंदर जाके एंट्री लेते हैं ना तो कुछ अंदर जाने को ना फेरी टेल्स का यहाँ पे थीम पे बेस्ड है। फेरी टेल्स मतलब क्या बोल सकते हो कि जहाँ पे परी ये सब होती है ना वैसा टाइप का, ये फेरी टेल्स के पे बेस्ड करके पंडाल बनाया गया। आप लोग इधर से एंट्री लो ना तो कुछ ऐसा दिखेगा अंदर का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर यहाँ से एंट्री यहाँ से अपना हंस देख रहा हूँ, और सामने की साइड दुर्गा माता है, यहाँ पे सारा ये सब कर रहे फोटो ये सब। और फिर यहाँ का देखो कुछ ऐसा भी होगा इस नाइट का टाइम ना, और भी काफ़ी अच्छा लगता है लाइट वाइट जलने के बाद। और यहाँ से एंट्री लो ना तो आप देख सकते हो सामने की साइड दुर्गा माता है, और ये पंडाल ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ना अपन लोग जाने वाले हैं टॉप 3 पे, तो वो भी काफ़ी अच्छा पंडाल होने वाला है। और अभी तो अपन लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखो पंडाल कुछ ऐसा है, लाइक भीड़ बहुत ही ज़्यादा है सप्तमी, और फिर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है गाइस देख सकते हो।
कुछ ऐसा है यहाँ का। और फिर यहाँ पूजा हो चुका है, इसी कारण से यहाँ पे पर्दा भी हट चुका है। और फिर यहाँ का डेकोरेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर इस साइड थोड़ा सा और होता ना तो और भी काफ़ी अच्छा लगता है। बीच में लाल लाल वाला है ना, वहाँ पे कुछ और लटक तो और भी सही लगता है, बट इतना भी एनफ है गाइस। तो अभी अपन लोग यहाँ से चलते हैं। तो आप लोग देख के बता सकते हो गाइस, जब ये फोर्थ नंबर पे पंडाल है तो लाइक के थर्ड नंबर, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर तो क्या ही नेक्स्ट लेवल वाला होने वाला है। तो आप लोग पंडाल देख के बता सकते हो गाइस, ये फोर्थ नंबर पे है तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट क्या होगा, तो वो आपको सीक्रेट है गाइस। बस वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना गाइस, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर वाला ना काफ़ी नेक्स्ट लेवल पंडाल होने वाला, जो तो आपको घूमने आना ही चाहिए गाइस। तो फर्स्ट और सेकंड काफ़ी अलग होने वाला, तो अभी चलते हैं और फर्स्ट और सेकंड की तरफ गाइस और थर्ड की तरफ। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पूल पर, और फिर पूल पर आप लोग देख सकते हो यार कुछ ऐसा पंडाल बन के बिल्कुल ही रेडी हो चुका है आज सप्तमी के दिन, लेकिन अभी पूजा नहीं हुआ अंदर, लेकिन बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। और यहाँ का पंडाल को अपन लोग थर्ड नंबर पर रखे, जो कि इसके पीछे भी कुछ कारण है जो कि मैं अभी आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर के साइड से तो काफ़ी ऐसा पंडाल दिख रहा है। डेकोरेशन देखने को कुछ ऐसा एंट्री आपको मिलेगा, और फिर यहाँ से देख रहे हो लाइटनिंग एकदम तब प्यारा सा लाइटनिंग है। और फिर यहाँ से देखो ना, तो यहाँ से दुर्गा माता का भी पूजा चल रहा है। पूजा होने के बाद अपना ये जो भी आगे का पर्दा है, पर्दा हटेगा, तो अभी पूजा नहीं हुआ, पूजा का प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है, लाइक सारा कुछ सामान का इंतजाम हो रहा है, फिर पूजा स्टार्ट होगी। तो कुछ ऐसा है, प्लस इधर सामने साइड जाओ ना तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा, एकदम बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ है। और यहाँ पर माता को साइड से आपको दिखाया ना, तो एक मिनट मैं भी आपको साइड से दिखा रहा हूँ गाइस, लाइक आप लोग साइड से देख सकते हो कुछ इस प्रकार है दुर्गा माता का। और अंदर से तो भाई जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी ना पूजा, उस टाइम कुछ अलग ही लगेगी। तो अभी अपन लोग चलते हैं टॉप टू के तरफ, तो चलो बस अभी वीडियो में बने रहना गाइस, क्योंकि टॉप टू जब देखोगे ना तो आप समझो कि हाँ टॉप टू कैसा है, तो टॉप वन कैसा होगा उसके बाद वो भी आप लोग देख समझ सकते हो गाइस। तो अभी यहाँ से टॉप टू और फिर टॉप वन की तरफ चलते हैं गाइस। अभी हम लोग भराव पे आ चुके हैं, और फिर ये वाला पंडाल को ना, भराव पर का पंडाल को अपन लोग सेकंड लिस्ट में डालेंगे, क्योंकि अंदर जाओगे ना तो अंदर देखो ना पंडाल को, तो आप भी देख के बोलोगे ना कि हाँ ये दूसरा नंबर पे रहने लायक ये पंडाल है। तो पंडाल तो सारा नंबर पे रहने लायक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना जितना अच्छा से यहाँ पे बनाया गया ना, उसको अपन लोग सेकंड नंबर पे लगाएंगे, इसलिए ना कि काफ़ी अच्छा से यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी चलते हैं और फिर आपसे डायरेक्ट पंडाल के पास मिलते हैं गाइस। जी अपना टॉप टू पंडाल है, और अभी अपन लोग आ चुके भराव पर, अभी अंदर के साइड अपन लोग आपको जाके दिखाते हैं पंडाल का क्या खासियत है गाइस। तो अभी यहाँ से अपन लोग अंदर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसे एंट्री लोगे ना, ऊपर शंकर भगवान अपना लीन है, जो भी पूजा पाठ जो हमेशा वो लीन रहते हैं ना उसी में लीन है। और अंदर के साइड आओ ना तो गुफा आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे पानी है सब, पहाड़ का जो बर्फीला टाइप का गुफा होता है ना, वैसा टाइप का अंदर के साइड गुफा टाइप का, चारों तरफ से चट्टान चट्टान पत्थर पत्थर सा, और ऊपर से नुकीला नुकीला सा एकदम जो होता है ना, जब भी कहीं आइस वाले में जाओगे ना तो ऊपर एकदम नुकीला नुकीला सा निकला हुआ रहता है, जिसको गिरने से ना अगर गिर गया ना तो बहुत कुछ हो सकता है। उस तरीके का सिंबल यहाँ पे देके दुर्गा जी को बैठाया गया है, और यहाँ का मूर्ति देखो ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस भाई को फोटो लेना था। और इस सीढ़ी से आप लोग ऊपर जा सकते हो, और फिर इधर चारों तरफ से देखो ना तो गाइस स्टार्टिंग में गणेश जी मिल जाएंगे, प्लस इधर दुर्गा माता दिख जाएंगे, और ऊपर का जो व्यू दिख रहा है ना गाइस काफी नेक्स्ट। तो फाइनली गाइस आप लोग गेस करके बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन सा पंडाल होने वाला है, लाइक जगह भी आप लोग देख लो थोड़ा बहुत, अपन लोग इशारा दे दिए, और फिर ये जगह है और फिर ये जगह है। तो आप लोग गेस करके बताओ गाइस फर्स्ट कौन सा पंडाल अपन लोग फर्स्ट रखे हैं, और फिर अपन लोग फर्स्ट के पास आ भी चुके हैं, थोड़ा बहुत गेस करो। चलो अगर गेस नहीं किया ना तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अपन लोग भैंसासुर आ चुके हैं, और भैंसासुर का ये पंडाल है ना, माँ वैष्णो का जो गुफा है ना उस पर बेस करके बनाया गया, उसी पे बेस ये पंडाल है। लाइक पंडाल बाहर से देखो ना तो काफ़ी भयानक वाला, बहुत ही अच्छा सा पंडाल लग रहा है। अभी अंदर इधर पर्दा नहीं खुला है, लेकिन फिर भी अंदर काली माता दिख रहा है। और यहाँ से देखो ना तो ऊपर के पहाड़ का व्यू ना कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। और फिर यहाँ से देखो, मैं अभी ना अंदर से गुफा भी जाके अभी आपको दिखाऊंगा, प्लस देखो लाइटिंग कैसे चेंज हो रही है गाइस। थोड़ा सा अगर पीछे हो जाओ ना तो पीछे होने के बाद ना आपको और भी अच्छा सा व्यू आएगा। तो अभी मैं पीछे होकर व्यू दिखाता हूँ गाइस आपको। तो यहाँ से आप लोग देखो ना तो कुछ इस प्रकार ऐसा व्यू आ रहा है, लाइक एकदम अलग वाला व्यू आ रहा है, देख रहे हो गाइस कितना मस्त वाला व्यू आ रहा है, वो आप लोग देख रहे होगे गाइस। मतलब काफ़ी अच्छा था, माँ वैष्णो का थीम पे बनाया हुआ है, तो अंदर का गुफा तो जाना बनता है ना। तो चलो मैं अभी ना आपको अंदर का गुफा भी दिखाता हूँ, कैसा अंदर का गुफा की साइड है। और यहाँ पे सामने ही साइड देखो ना, ये काली माता, और फिर ये पूरा बिहार शरीफ में ना नंबर वन पंडाल यही है, इसीलिए इनको मैंने फर्स्ट पे भी रखा है। और यहाँ पे देखो गुफा,
दर्शन टिकट 50 रुपया, 50 रुपया लगता है। गुफा के अंदर जाओगे ना तो 50 रुपया देना पड़ेगा। तो चलो अभी अपन लोग देते हैं 50 रुपया और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, अंदर जाते हैं गाइस गुफा में। देखो ना तो करीब से कुछ ऐसा दिखते हैं लाइक देख रहे हो एकदम, इतना करीब से पत्थर के साइड ऊपर देख रहे हो, चट्टान का चट्टान ऊपर, गणेश भगवान ड्रैगन पे एकदम, और इधर की साइड देखो ऊपर सारा कुछ, और यहाँ से एंट्री अपना है पिंडी दर्शन। यहाँ से आप लोग पिंडी दर्शन अंदर के साइड जाके कर सकते हो, तो यहाँ से एंट्री अंदर जा सकते हो और इधर से अंदर गुफा में जाना है गाइस। तो अभी मैं ना यहाँ से आपको अंदर जाने के लिए देखता हूँ, अगर अभी तो गेट बंद है, ये देख सकते हो गाइस अभी गेट बंद है, हालांकि आप सच में है ना इसीलिए गेट बंद है, बट कल खुलेगी तो कल आपको ना एंट्री अंदर जाके ना आपको अंदर से भी दिखाएंगे, बट अभी आपको बाहर से कुछ और अच्छा से दिखा देते हैं गाइस। तो चलो बाहर से दिखाते हैं अभी कुछ और अच्छे से। तो देख रहे हो यहाँ से आप लोग प्रवेश करोगे, उसके बाद अंदर से गुफा का मेन गेट देता है, और यहाँ से इधर कुछ देखो ना तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है गाइस, काफ़ी अच्छा सा लुक, काफ़ी अच्छा सा लुकिंग आ रहा है, काफ़ी अच्छा सा एकदम देखने में लग रहा है पंडाल। बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत ही टाइम इसमें लगा है इस पंडाल में। तो इस पंडाल आप लोग किस नंबर पे इस पंडाल को रखोगे ना आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से तो ये फर्स्ट नंबर है, और फर्स्ट नंबर है ही, बट आपको कितने नंबर पे लगते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस। तो फाइनली गाइस हमारा टॉप 5 कुछ यही पंडाल था, तो आई होप आप लोगों को ये पंडाल अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को कोई पंडाल छूट गया होगा ना तो प्लीज़ कमेंट करना, आप लोग को शायद आप लोगों को कोई और ही पंडाल टॉप 5 में रखना हो तो वो भी कमेंट करना, बट मेरे ख्याल से जितना मैंने पंडाल देखा ना वो टॉप 5 मेरे लिए काफ़ी था, एनफ था, इतना ही मेरे को अच्छा लगा था इसीलिए मैंने डाला था, बट आपको कोई और ही पंडाल मिस हो रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। कभी सोच रहे हैं यहाँ पर वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि आपको और भी कल नेक्स्ट वीडियो लानी है, तो काफ़ी अच्छा जैसा वीडियो लानी है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी ना सारा पंडाल इस एंड एवरी पंडाल का अपन लोग कॉम्बिनेशन लाएंगे, तो सोच रहे हैं यहाँ पर वीडियो को एंड करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।